मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में वैन ने तीन लोगों को मारी टक्कर। जी हां, प्रयागराज के हंडिया तहसील के थाना सरान ब्रिज के बारी तिराहा के पास नेदुला गांव के सामने एक पिकअप वैन ने तीन लोगों को जोरदार मारी टक्कर। मौके पर नेदुला निवासी बुल्लूर की बेटी 10 वर्ष की मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दो महिला गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय निवासी घायलों को अस्पताल ले गए हैं। यह घटना लगभग 3:30 बजे की है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की। सोनभद्र में पुलिस ने पत्रकारों का तोड़ा कैमरा, छीना फोन। जी हां, सोनभद्र के नेहरू सागर में संविदा कर्मियों द्वारा 1 नवंबर से शांतिपूर्वक अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 दिन निजी कंपनी ने गरीब मजदूर श्रमिकों को वाजिब मांगों के जवाब में लाठियों से पीटकर आंसू गैस हवाई फायरिंग कर बर्बरता दिखाई। सोनभद्र पुलिस प्रशासन द्वारा कई मजदूरों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को खबर कवरेज के दौरान पुलिस ने पत्रकारों की कलम को छीनते हुए कई पत्रकारों के कैमरे भी छीन कर तोड़ दिए और मोबाइल फोन भी छीन लिए। सोनभद्र से हमारे संवाददाता संतोष कुमार विश्वकर्मा की। नहीं सर, मैं बयान ले रहा हूँ, मैं कोई इलीगल कार्य नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, ये आरोप है मेरे ऊपर सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको मालूम है कि ये इलीगल जमाव है? जी मुझे मालूम है सर, मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ सर। मेरी आप मेरे आप रिकॉर्डिंग और वीडियो में आप देख सकते हैं। कुशीनगर में भव्य यज्ञ हुआ संपन्न। जी हां, कुशीनगर जिले के मैरवा गांव में बहुत ही भव्य यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ में गांव वालों का बड़ा सहयोग रहा। इसमें आचार्य श्री वशिष्ठ तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता कपिंजल पाठक की रिपोर्ट। हाँ बैठी होने बैठ जाए। अब यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। फरुखाबाद में भाई दूज धूमधाम से मनाया गया। फरुखाबाद के काशीपुर समस्तीपुर में भाई दूज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अलग अलग जगहों पर मनाया गया। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। फरुखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा के। बउआ बेबी हाथ में दिख रहा है, आ रहा है पूरा फ्रेश फ्रेश। खबरों का सिलसिला ऐसे ही फास्ट न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।